नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम मूल वित्त से रिलेटेड मोटर यान अधिनियम 1988 से रिलेटेड 35 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इनको अच्छी तरीके से समझ कर याद कर लेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मोटर यान अधिनियम लागू हुआ कब? वर्ष 1989 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोटर यान अधिनियम कब लागू हुआ? वर्ष 1989 में। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन जिसमें तीन पॉइंट सही होंगे उनके हमने चारों पॉइंट लिया है। जैसे मोटर अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार व्यवहारी के अंतर्गत किस व्यक्ति को रखा गया है? तो नंबर वन, जो मोटर यानों के विनिर्माण में लगा है, जो मोटर यानों की मरम्मत करता है, जो मोटर यानों को पट्टे पर देता है, उपरोक्त सभी। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार व्यवहारी के अंतर्गत किस व्यक्ति को रखा गया है? जो मोटर यान के विनिर्माण में लगा है, जो मोटर यानों के मरम्मत में लगा है, और जो मोटर यान को पट्टे पर देता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 2 के अंतर्गत शिक्षा संस्था बस को माना जाता है, क्या माना जाता है? देख लेते हैं। जो विद्यार्थियों को लाती है, जो कर्मचारियों का परिवहन करती है, जिस बस पर शैक्षिक संस्था का स्वामित्वधीन होता है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्वेश्चन क्या था हमारा, मोटर अधिनियम 1988 की धारा 2 के अंतर्गत शिक्षा संस्था बस को माना जाता है, किसे किसे माना जाता है? जो विद्यार्थियों को लाती है, जो कर्मचारियों का परिवहन करती है, जिस बस पर शैक्षिक संस्था का स्वामित्वधीन होता है, वो क्या होती है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर अधिनियम 1988 का विस्तार कहाँ है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संपूर्ण भारत में। पहले ऐसा था जम्मू कश्मीर हर जगह पर ऐड होता था, लेकिन चूंकि वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया इसलिए संपूर्ण भारत पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बस एक ऐसा मोटर यान है जो ड्राइवर के अतिरिक्त से अधिक यात्रियों के वाहन हेतु अनुकूलित है। तो ड्राइवर के अलावा कम से कम 6 लोग उसमें अधिक यात्रा के वाहन हेतु अनुकूलित है। अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बस एक ऐसा मोटर यान है जो ड्राइवर के अतिरिक्त 6 से अधिक यात्रियों के वाहन हेतु अनुकूलित है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अधिनियम के अध्याय 2 में वर्णित विषय क्या है? मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अधिनियम के अध्याय 2 में वर्णित विषय क्या है? मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिनियम की धारा 66 का विषय क्या है? परमिटों की आवश्यकता। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिनियम की धारा 66 का विषय क्या है? परमिटों की आवश्यकता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परिवहन यानों का नियंत्रण अधिनियम के किस अध्याय का विषय है? तो ये 5वें अध्याय का विषय है। परिवहन यानों का नियंत्रण अधिनियम के किस अध्याय का विषय है? तो अध्याय 5 का विषय है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। यातायात का नियंत्रण अधिनियम के किस अध्याय का मूल विषय है? तो ये अध्याय 8 का विषय है। यातायात का नियंत्रण अधिनियम के किस अध्याय का मूल विषय है? तो अध्याय 8 का। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अधिनियम के किस धारा में गति सीमा का उल्लेख किया गया है? तो ये धारा 112 में किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अधिनियम के किस धारा में गति सीमा का उल्लेख किया गया है? तो धारा 112 में। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। बीमा ना किए गए यान को चलाने पर कितने माह तक का कारावास हो सकता है? बीमा ना किए गए यान को चलाने पर कितने माह तक का कारावास हो सकता है? तो 3 माह तक का कारावास हो सकता है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। मोटर अधिनियम 1988 कितने अध्यायों में वर्णित है? तो 14 अध्याय में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अधिनियम के किस धारा में रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता का उल्लेख है? तो धारा 39 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अधिनियम के किस धारा में रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता का उल्लेख है? तो धारा 39 में। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अधिनियम के किस धारा में अस्थायी परमिट का उल्लेख किया गया है? तो धारा 87 में।
अधिनियम की किस धारा में अस्थाई परमिट का उल्लेख किया गया है? तो धारा 87 में। नेक्स्ट अगला, कम से कम कितनी आयु का व्यक्ति, कम से कम कितनी आयु का व्यक्ति बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चला सकता है? वो है 16 वर्ष का, यानी साइकिल चला सकता है, उसमें कोई गियर नहीं लगता है। कम से कम कितनी आयु का व्यक्ति बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चला सकता है? तो 16 वर्ष। नेक्स्ट अगला, मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो धारा 4 में किया गया है। मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है? धारा 4 में किया गया है। नेक्स्ट अगला, कंडक्टर अनुग्रप्ति की आवश्यकता का उल्लेख अधिनियम के किस धारा में किया गया है? तो धारा 29 में किया गया है। कंडक्टर अनुग्रप्ति की आवश्यकताओं का उल्लेख अधिनियम के किस धारा में किया गया है? तो धारा 29 में किया गया है। नेक्स्ट अगला, किसी ड्राइवर से एक दिन में अधिकतम कितने घंटे कार्य लिया जा सकता है? तो 8 घंटे लिया जा सकता है। किसी ड्राइवर से एक दिन में अधिकतम कितने घंटे कार्य लिया जा सकता है? 8 घंटे का। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, शराब पीकर मोटर यान चलाने पर कितने माह तक की सजा हो सकती है? तो 6 माह तक की सजा हो सकती है। शराब पीकर मोटर यान चलाने पर कितने माह तक की सजा हो सकती है? 6 माह की। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 73 में वर्णित है। ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 73 में वर्णित है। नेक्स्ट अगला, मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के किस अध्याय का विषय है? तो अध्याय 4 का विषय है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अधिनियम का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के किस अध्याय का विषय है? मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम किस अध्याय का विषय है? तो अध्याय 4 का। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, अधिनियम की धारा 43 का संबंध है किससे? अस्थाई रजिस्ट्रीकरण से। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अधिनियम की धारा 43 का संबंध है किससे? अस्थाई रजिस्ट्रीकरण। मित्रों, अगर इसकी PDF तुम्हें चाहिए तो हमारा टेलीग्राम है नॉलेज इज द पावर, उसको सर्च कर लेंगे तो वहाँ पर हम इसकी PDF डाल देंगे। दूसरी चीज़, अगर ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए उपयोगी लग रहे हो, तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परिवहन यानों के बारे में विशेष उपबंद अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो धारा 58 में। परिवहन यानों के बारे में विषय उपबंध अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 58। नेक्स्ट अगला, केंद्रीय सरकार के यानों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 60 में। केंद्र की बात हो रही, केंद्रीय सरकार के यानों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधान अधिनियम किस धारा में वर्णित है? तो धारा 60 में। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है, राज्य सरकार की सड़क परिवहन का नियंत्रण करने की शक्ति किस धारा में है? तो यहाँ पर धारा 67 में है। किस में है? धारा में है। राज्य सरकार की सड़क परिवहन का नियंत्रण करने की शक्ति किस धारा में वर्णित है? तो धारा 67 में वर्णित है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, अस्थाई परमिट अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रभावी होंगे? वो 4 माह के लिए। अस्थाई परमिट अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रभावी होते हैं? 4 माह के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ड्राइवर से सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे कार्य कराया जा सकता है? तो 48 घंटे। एक ड्राइवर से सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे कार्य कराया जा सकता है? 48 घंटे। नेक्स्ट अगला, निम्न में से किस विषय पर केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है? तो वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन हेतु मानक पर, टायरों के आकार प्रकार और हालात पर, यानों की चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई पर, उपरोक्त सभी पर। निम्न में से किस विषय पर केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है? तो वायु प्रदूषक के उत्सर्जन हेतु मानक पर, टायरों के आकार प्रकार और हालात पर, यानों की चौड़ाई ऊंचाई तथा लंबाई पर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा, यह प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 128 में। मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा, यह प्रावधान अधिनियम किस धारा में वर्णित है? धारा 128, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला,
अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि सार्वजनिक स्थानों पर मोटरसाइकिल चालक को सुरक्षात्मक टोप यानी हेलमेट पहनना पड़ेगा? तो धारा 129 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी जानकारी में भी होना चाहिए। अधिनियम किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि सार्वजनिक स्थानों पर मोटरसाइकिल चालक को सुरक्षात्मक टोप यानी हेलमेट पहनना पड़ेगा? धारा 129। नेक्स्ट अगला, बीमा के बारे में जानकारी देने का कर्तव्य संबंधी प्रावधान अधिनियम के किस धारा में वर्णित है? तो धारा 151। बीमा के बारे में जानकारी देने का कर्तव्य संबंधी प्रावधान अधिनियम के किस धारा में वर्णित है? धारा 151। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना राज्य सरकार को लिखित अनुमति के दौड़ का आयोजन कर रहा है तो उसे सजा हो सकती है कितने? 1 माह तक की। यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना राज्य सरकार को लिखित अनुमति के दौड़ का आयोजन कर रहा है तो उसे सजा हो सकती है कितनी? 1 माह तक। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? तो धारा 213 से। मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? धारा 213 से। नेक्स्ट अगला, मोटर टैक्सी में भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक ड्राइवर छोड़कर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? तो 6 लोग बैठ सकते हैं। मोटर टैक्सी में भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक ड्राइवर छोड़कर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 6 लोग बैठ सकते हैं। नेक्स्ट अगला, अधिनियम की धारा 72 का विषय है मंजिली गाड़ी परमिटों को दिया जाना। अधिनियम की धारा 72 का विषय क्या है? जो मंजिली गाड़ी मतलब होता है कि एक बस में ही 2 टाइप्स की व्यवस्था होती है, परमिटों का दिया जाना। ठीक है, तो मित्रों ये 35 क्वेश्चन थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनको अगर आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, इससे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।